Hello friends, today we will discuss about Restoration Age. As you know that we have started the History of English Language and Literature series. We are uploading in chronological order all videos. We have uploaded all videos before this Restoration Age, and in this video we will discuss about Restoration Age. Without wasting any time, let's discuss about Restoration Age. Restoration Age. This age also known as Age of Dryden, because in this age Dryden is the dominant writer. So that's why this age also known as the Age of Dryden. Restoration Age. In this age we will saw that the England is divided into two parts. हम देखते हैं इस एज में कि चार्ल्स फर्स्ट हैं एक तरफ, तो दूसरी तरफ हैं पार्लियामेंटेरियंस. चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के बाद क्या होता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है इंग्लैंड में. जैसा कि हमने इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें डिस्कस कर चुके हैं, चार्ल्स फर्स्ट और जो पार्लियामेंटेरियंस थे उसके कितना उनमें अनबन चल रही थी, कितना उनमें बिल्कुल भी जो भी मीटिंग्स हो रही थी वो डिसॉल्व हुई जा रही थी. और ये चार्ल्स फर्स्ट को भी हेडिड भी कर दिया गया था. तो एक तरफ यानी कि इंस्टेबिलिटी आ गई थी. थिएटर भी इसमें बैंड हो गए थे. वाई? बिकॉज अब राज किनका आ गया था, पार्लियामेंटेरियंस का और प्यूरिटन्स का. प्यूरिटन्स क्या थे, ये थे कट्टर, ये थे क्रिश्चियंस थे, और ये थिएटर्स को बंद करवा देती हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू प्यूरिटन्स ये उनके धर्म के रिलीजन के खिलाफ है, इसीलिए वो थिएटर्स को बैंड करवा देते हैं. प्यूरिटन्स डोमिनेट होते हैं चार्ल्स फर्स्ट के बाद. तो इन मे 1660 में हम देखते हैं चार्ल्स सेकेंड आते हैं इंग्लैंड में. चार्ल्स सेकेंड आते हैं, चार्ल्स फर्स्ट की तो इन्होंने बिहेड कर दिया है, यानी कि इसको तो एसेसिनेट कर दिया है, उसको तो मतलब वो तो उसको तो पनिश कर दिया है प्यूरिटन्स ने, ठीक है. और उसके बाद चार्ल्स सेकेंड आता है इंग्लैंड में 1660 में. तो मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड, तो इसीलिए क्योंकि मोनार्की आ गई थी, वापस आ गई थी इंग्लैंड में, इसीलिए इस एज को रेस्टोरेशन एज बोला जाता है. ओके, तो चार्ल्स सेकेंड प्रोटेस्टेंट बन गए थे. ओके, जब वो इंग्लैंड में आते हैं वो प्रोटेस्टेंट बन गए थे. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि जो प्यूरिटन्स थे वो क्या थे, वो प्रोटेस्टेंट थे. जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो कैथोलिक थे, जिसकी वजह से ये इन दोनों की बनती नहीं थी. और जो चार्ल्स फर्स्ट थे वो कैथोलिक रिलीजन को बढ़ावा दे रहे थे, और जो पार्लियामेंटेरियंस थे वो प्रोटेस्टेंट थे. मगर जब चार्ल्स सेकेंड आते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटेस्टेंट बन जाते हैं इंग्लैंड के में आते ही. तो इस एज में हमें देखते हैं, और प्रिंटिंग प्रेस, इस एज में प्रिंटिंग प्रेस भी आ जाती है. और प्रिंटिंग प्रेस तो आ ही जाती है, और ये तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी. मगर इसमें अगर हम देखें तो लाइसेंसिंग का एक्ट पास हुआ था, लाइसेंसिंग ऑफ द प्रेस एक्ट 1662 में पास हुआ था. इसमें क्या हुआ था, इसमें हुआ क्या था, इस प्रिंटिंग प्रेस को ऐसा बोला गया था, अगर कोई भी जो वर्क है, अगर कोई भी वर्क प्रोड्यूस होता है, पब्लिश होता है, जो अगेंस्ट है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, रिलीजन के अगेंस्ट है, तो उसके रिस्पॉन्सिबल प्रिंटिंग प्रेस होगी. इस एक्ट के ज़रिए ये कहा गया था. तो इन दिस एज पावर ऑफ जो प्यूरिटन थी वो अब डिक्लाइन हो रही थी, बिकॉज डोमिनेट हो गए थे वो चार्ल्स फर्स्ट की डेथ के बाद. वो डोमिनेट हो गए थे प्यूरिटन्स. अब चार्ल्स सेकेंड के आने के साथ हुआ क्या कि प्यूरिटन्स की जो पावर थी वो डिक्लाइन होती जा रही थी. इस एज में फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी लंदन में भी एस्टेब्लिश होती है 1684 में, और द बैंक ऑफ इंग्लैंड जो 1694 में ये भी मतलब एस्टेब्लिश होती है. और प्ले की अगर बात करें, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज ब्लैक डेथ, वो भी इंग्लैंड में आ जाता है 1665 में. मगर आया तो था, जैसे चौसर के टाइम पे भी आया था, एलिजाबेथन एज में भी हमें देखने को मिला है कि प्लेग आया था, ये डिजीज़ आई थी
ओके तो मगर ये इस वहाँ पे जैसे चौसर और एलिजाबेथन एज में बहुत ज़्यादा जो पॉपुलेशन को मतलब वो करना पड़ा था, सहना पड़ा था, बहुत डेथ हुई थी, मगर इस एज में इतना नहीं हुआ था, मगर आई ज़रूर थी, इफ़ेक्ट तो पड़ा था मगर इतना नहीं पड़ा इस एज में। रेस्टोरेशन एज का ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है, दैट इज़ द ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो 1666 में हुआ था, और ये 5 दिन तक आग लगी थी, 5 दिन तक लगातार आग लगी थी, जिसमें क्या हुआ था 89 चर्च जो चर्चेस थे वो बिल्कुल जलकर राख हो गए थे, 89 चर्चेस बर्न टू एशेज। ओके तो क्रिस्टोफर रेन ये एक आर्किटेक्ट थे, ये क्रिस्टोफर रेन का बहुत बड़ा रोल है, ही प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ही वॉज एन आर्किटेक्टर, ही रीडिज़ाइन लंडन, ही रीडिज़ाइन 52 चर्चेस, हमने बात की है 89 चर्चेस तो बर्न हो गई थी इस ग्रेट फायर ऑफ लंदन में, मगर जो क्रिस्टोफर रेन हैं उन्होंने रीडिज़ाइन किया था लंदन को, और इसमें हुआ क्या था, और उन्होंने 52 चर्चेस को भी रीडिज़ाइंड किया था, और इस एज में कॉफ़ी हाउसेस कल्चर भी डेवलप हो गया था, कॉफ़ी हाउस कल्चर का बहुत ज़्यादा अच्छा सिस्टम हुआ था, और क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या था, आप कॉफ़ी भी पी सकते थे, आप बैठ के एक प्लेस मिल गया था और गप्पे भी मार सकते थे, और ये इनको एक प्लेस मिल गया था इस एज में। ओके मगर इसकी एक खामी ये भी देखी गई है, मगर इसमें ना फीमेल को अलाउड नहीं था इस एज में, अगर हम देखें तो अगर कॉफ़ी हाउसेस में अकेली कोई लेडी आ रही है वो कॉफ़ी लेना चाहती है तो उसको अलाउ नहीं था, अगर वो उसके साथ कोई मेल है तो ही उसको एंटर होने दिया जाता था, इस एज में कॉफ़ी हाउसेस कल्चर वैसे डेवलप हो गया था, और पोइट्स पॉलिटिकली व्यू आल्सो चेंज। तो इस एज में हमें देखने को ये भी मिलता है कि जो पोइट्स हैं राइटर्स हैं उनके पॉलिटिकल व्यूज़ चेंज होते रहते हैं, अगर हम एग्जांपल पे ड्राइडन की ही बात करें, जॉन ड्राइडन की ही बात करें, ही रोट ऑन द डेथ ऑफ क्रॉमवेल, उन्होंने क्रॉमवेल के डेथ के ऊपर भी लिखा, हु वॉज अ डिक्टेटर बिफोर चार्ल्स सेकेंड से पहले वो एक डिक्टेटर थे इंग्लैंड में, ड्राइडन ने उनके भी सपोर्ट करते थे क्रॉमवेल की, बट जब चार्ल्स सेकेंड आ जाते हैं इंग्लैंड में तो उसकी सपोर्ट लेना शुरू कर देते हैं, उनकी प्रेज में भी उन्होंने अपने वर्क लिखा है। ओके देन आ जाता है एडमंड वॉलर, उनके व्यू भी ऑल्सो चेंज हुए हैं, उसके व्यू भी चेंज हुए हैं ड्राइडन के जैसे, और बस अगर बात करें राइटर्स की तो जॉन मिल्टन हैं सिर्फ वही एक ऐसे राइटर थे जिनके व्यूज़ नहीं चेंज हुए, वो प्यूरिटन्स को सपोर्ट करते थे और वो एंड तक तो प्यूरिटन्स के ही सपोर्टर रहे हैं, तो उन्होंने अपने व्यूज़ चेंज नहीं किए जैसे ड्राइडन ने कर लिए थे। तो रेस्टोरेशन एज में जो ड्रामा है, ड्रामा की अगर बात करें, रेस्टोरेशन में ड्रामा की बात करें तो रीओपन्ड हो गए थे, क्योंकि हमने बात की थी ना ये जो प्यूरिटन से इन्होंने बंद करवा दिए थे ड्रामास। ओके तो अब ड्रामास रीओपन्ड हो गए थे तो इन्वेस्टमेंट भी शुरू कर दी गई थी थिएटर्स में। जो कैविलियर थे, कैविलियर्स का अगर मैं बात करूँ, कैविलियर्स जो राइटर्स हैं ये होते कौन थे, ये वो हैं जो चार्ल्स फर्स्ट और सेकेंड को सपोर्ट करते थे, वो थे, ये भी पहले चले गए थे चार्ल्स फर्स्ट को ये सपोर्ट करते थे, ये प्यूरिटन्स को सपोर्ट नहीं करते थे, ये तो फ्रांस में चले गए थे क्योंकि जब चार्ल्स फर्स्ट की डेथ हो गई थी तो इनको फ्रांस में भगा दिया गया था, मगर ये चार्ल्स सेकंड आ गया है वापस इंग्लैंड में तो ये भी दोबारा वापस आ गए थे इंग्लैंड में। तो चार्ल्स सेकंड भी बहुत सपोर्ट कर रहे थे थिएटर की, और मगर ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो चार्ल्स सेकंड था बहुत अय्याश किस्म का राजा था, बहुत करप्ट था कि इसीलिए उसको थिएटर इतना पसंद था और उसने इतना बढ़ावा दिया था चार्ल्स सेकंड ने, और चार्ल्स सेकंड इतना मतलब अय्याश था कि उसके कोई भी लीगल
चाइल्ड नहीं था, उसके ऐसा माना जाता है उसके 12 बच्चे थे तो इलीजिटिमेट थे, यानी कि नाजायज़ बच्चे थे, उसके 12 थे, मगर 12 बच्चे है तो थे मगर उनमें कोई भी लीगल नहीं था, उसका कोई भी वारिस नहीं था, क्योंकि नाजायज़ बच्चों को मतलब किंग नहीं बनाया जा सकता था, इसीलिए उसके पास कोई भी लीगल हेयर नहीं था ओके, यानी कि उसके पास वारिस नहीं था। तो चार्ल्स सिक्किन ने क्या किया, ऑर्डर दे दिया। पहले हमने देखे जितने भी इससे पहले थिएटर्स में परफॉर्मेंस होती थी तो मेल्स क्या करते थे, मेल्स करते थे, जो भी अगर फीमेल का कोई रोल प्ले करना होता था तो मेल्स ही उसका परफॉर्म किया जाता था, एलिजाबेथन एज में भी हमने देखा है। तो चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया कि फीमेल भी जा सकती हैं थिएटर में और परफॉर्म भी कर सकती हैं और जाकर देख भी सकती हैं, फीमेल को भी अलाउ कर दिया था थिएटर में जाने के लिए चार्ल्स सेकंड ने। तो थिएटर आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज में जैसे थिएटर थे उससे बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए थे, एलिजाबेथन एज से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो गए थे और मॉडर्न थिएटर बन गए थे इस एज में। तो मॉडर्न कैसे बन गए थे, मॉडर्न कैसे बनाया गया था, आर्टिफिशियल लाइट्स का प्रबंध किया गया था, आर्टिफिशियल लाइट्स लगा दी गई थी, पिक्चर फ्रेम लगा दिए गए थे और मूवेबल सीनरी भी हमें देखने को मिलती थी इस एज में, मिलती है देखने को मूवेबल सीनरी ओके। और इवन नाइट को, पहले इससे पहले नाइट रात को मना था कि रात को नहीं थिएटर्स परफॉर्म होंगे, मगर अब रात को भी थिएटर्स परफॉर्म हो सकते हैं, ओपन रहते थे, तो वुमेंस भी एंटर हो सकती थी इस एज में। चार्ल्स सेकंड ने अलाउ कर दिया था, ऑर्डर कर दे दिया था कि वुमेंस आल्सो कैन एंटर इन थिएटर्स एंड परफॉर्म, बट दे वर गिवन लेस देन मेल, अगर जितना भी अगर मनी की बात करें, पैसों की बात करें, अगर वो परफॉर्मेंस कर भी रही हैं, परफॉर्म कर भी रही हैं, उनको मिल तो गई है, छूट मिल तो गई है, वो आ तो सकती हैं थिएटर में परफॉर्म कर तो सकती हैं, मगर उनको इतने पैसे नहीं मिलते जितने के मेल्स को मिलते हैं। तो इसी एज में, क्योंकि उनको इतने मोटिवेशन नहीं मिलती थी फीमेल्स को, इसलिए बहुत से फ्यू एक्ट्रेस एंड प्ले राइट्स हमें देखने को मिलती हैं, मगर सिर्फ एक ही है। जैसे उसकी अगर एग्जांपल देखें तो चार्लट क्लियर हैं, ये फेमस हैं, ये सिर्फ एक ही ऐसी राइटर भी हैं, प्ले राइटर भी हैं और एक्ट्रेस भी हैं, इन्होंने एज अ एक्ट्रेस भी वर्क किया है और प्ले भी लिखा है, इन्होंने 3 प्लेज लिखे हैं ओके। तो आगे अब हमने बात कर ली है रेस्टोरेशन ड्रामा की, थिएटर की, अब हम बात करेंगे रेस्टोरेशन कॉमेडी की। तो रेस्टोरेशन कॉमेडी की अगर बात करें तो बहुत फेमस थी, इट इज़ फेमस ओनली फेमस इन लंडन, लंडन में फेमस थी बस ये कॉमेडी, रेस्टोरेशन कॉमेडी लंडन में फेमस थी। तो इस एज की जो कॉमेडी है, रेस्टोरेशन की जो कॉमेडी है, इसमें क्या रिप्रेजेंट किया जाता था, ये रिप्रेजेंट किया जाता था कि जो लाइफ है, एक मैरिड लाइफ है, एक लेडी के साथ ज़िंदगी बतीत करना, ज़िंदगी रहना, वो बोरिंग लाइफ है, ऐसा रिप्रेजेंट किया जाता था। तो अडल्ट्री और सेक्सुअल अट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है रेस्टोरेशन कॉमेडी को, और इसीलिए इस रेस्टोरेशन कॉमेडी को बहुत क्रिटिसाइज्ड किया जा रहा है अभी भी ओके। बहुत रेपुटेशन बहुत बैड है रेस्टोरेशन कॉमेडी की। अगर हम बात करें द बिग 5 ऑफ द रेस्टोरेशन कॉमेडी, बड़े जो रेस्टोरेशन कॉमेडी लिखने वाले जो राइटर्स हैं उनमें कौन कौन से हैं, ये 5 हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं और फेमस हैं। नंबर 1 पे आ जाता है जॉर्ज इथरीज, विलियम कॉनग्रेव, जॉर्ज फार्क्यूर, विलियम वाइचलरे, सर जॉन वैनबर्ग। ये क्या हैं, ये रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर्स हैं। अगर हम बात करें इनके वर्क्स की तो सबसे पहले हम बात करते हैं जॉर्ज एथर्ज की। इनका एक प्ले है, प्ले था, दैट इज़ शी
वुड इफ यू कुड, ये परफॉर्म हुआ 1688 में। ये इनका प्ले बहुत पॉपुलर था, इस प्ले के लिए ये जाने जाते हैं जो कि एक कॉमेडी वर्क है। देन आ जाता है विलियम कॉनग्रीव, इनका वर्क है द वे ऑफ द वर्ल्ड, ये 1700 में परफॉर्म किया गया और ये परफेक्ट एग्जांपल है रेस्टोरेशन कॉमेडी की। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस प्ले से हमें देखने को मिलता है, इस प्ले के अगर आप इस प्ले को पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे, तो आप अच्छे से जान सकोगे कि मीन्स टू से आप परफेक्ट एग्जांपल है, इसीलिए तो इसको कहा गया ना परफेक्ट एग्जांपल है रेस्टोरेशन कॉमेडी की। इस तरीके के एलिमेंट्स मिलेंगे आपको रेस्टोरेशन कॉमेडी के में अगर आप इस प्ले को रीड कर लेते हो, इससे गो थ्रू हो जाते हो। देन आ जाते हैं विलियम वाइट चर्ली, इनका द कंट्री वाइफ, ये भी बहुत पॉपुलर वर्क है द कंट्री वाइफ। देन द सर जॉन वैनब्रग, ये बहुत बोल्ड लैंग्वेज यूज़ करते थे अपने प्लेज में। इनका फेमस प्ले की बात करूँ तो इनका फेमस प्ले है द रिलैप्स और सेकंड है द प्रोवोक्ड वाइफ। ये बहुत फेमस प्लेज हैं इनके सर जॉन वैनब्रग के। आगे अगर बात करें एक और जो राइटर है रेस्टोरेशन कॉमेडी राइटर हैं, दैट इज़ जॉर्ज फारक्यूअर। उनका पॉइंट ऑफ व्यू पता क्या था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू था अगर आप एक कॉमेडी चाहते हो, अगर आप एक कॉमेडी लिखना चाहते हो, तो आपको एक लेडी को, एक वाइफ को अनफेथफुल शो करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, इसी से ह्यूमर क्रिएट होगा। ये थी भाई उनकी थिंकिंग, अगर वाइफ अनफेथफुल होगी तभी कॉमेडी होगी, ये था उनका पॉइंट ऑफ व्यू। देख लीजिए कैसे कैसे राइटर थे। ओके, आगे हम बात करते हैं एफ्रा बेन, ये ओनली फीमेल सक्सेसफुल प्ले राइट थी। ये एक इकलौती सक्सेसफुल प्ले राइट है और फीमेल है, सबसे बड़ी बात ये एक फीमेल है, जितने भी हमने बात की वो सारे मेल थे। एफ्रा बेन फीमेल राइटर हैं रेस्टोरेशन एज की, ये रोल मॉडल रही हैं जो फ्यूचर की आने वाली फीमेल राइटर्स थी उनके लिए। ये फर्स्ट प्रोफेशनल प्ले राइट थी, फर्स्ट प्रोफेशनल प्ले राइट, जैसे उन्होंने अपना ये एक प्रोफेशन ही चुन लिया था, एज अ प्रोफेशन वर्क किया था उन्होंने एज अ प्ले राइट, और उन्होंने एज अ स्पाई भी वर्क किया था फॉर किंग चार्ल्स सेकंड। ओके, वर्जीनिया वुल्फ लिखती हैं इनके बारे में अपने वर्क अ रूम और वंस ऑन। वर्जीनिया वुल्फ बहुत फेमस फीमेल राइटर हैं, फेमिनिस्ट राइटर हैं, ये इन्होंने लिखा है अपने वर्क अ रूम ऑफ वंस ऑन में, ऑल वुमेन टुगेदर और टू लेट फ्लावर्स फॉल अपॉन द टॉम्ब ऑफ एफ्रा बेन फॉर इट वाज शी हु अर्नड देम द राइट टू स्पीक देयर माइंड्स। तो ये वर्जीनिया वुल्फ भी बोलती हैं कि एफ्रा बेन को हमें श्रद्धांजलि देनी चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम स्पीक कर पा रही हैं, हम बोल पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अगर शुरुआत की थी तो उनकी देखा देखी में तो और जो फ्यूचर फीमेल राइटर्स हैं उन्होंने लिखना शुरू किया, इसीलिए वर्जीनिया वुल्फ ने ये अपने वर्क में लिखा है। आगे हम बात करें ट्रेजडी की, अगर हम ट्रेजडी की बात करें ड्रामा में, ट्रेजडी कॉमेडी तो बहुत पॉपुलर थी, वो तो हमने डिस्कस कर लिया है, किस किस तरीके के एलिमेंट्स होते थे वो भी डिस्कस किया है, कौन कौन से राइटर्स थे वो भी डिस्कस किया है। अब डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन ड्रामा के बारे में। ट्रेजडी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी इस रेस्टोरेशन एज की ऑडियंस को, तो वो कॉमेडी को ही बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। मगर अगर हम बात करें जॉन ड्राइडन की, उन्होंने डिफेंड करने की भी कोशिश की है, उन्होंने एक ऐसे लिखा था, उन्होंने डिफेंड किया था ट्रेजडी को इस ऐसे में, वो ऐसे था ऐसे ऑन हीरोइक प्लेस। मगर ये जो इस फिर भी क्या हुआ, इन्होंने कोशिश तो की थी कि ट्रेजडी को भी पॉपुलैरिटी मिलनी चाहिए, उसको भी पसंद करना चाहिए, जॉन राइडर ने लिखा था ऐसे, मगर इसका तो कोई कुछ भी मतलब डिज़ायरेबल जो आउटपुट चाहते थे वो निकला ही नहीं, बिकॉज लोगों को तो कॉमेडी ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं होती इस वर्क के बाद भी। तो ड्राइडन रोट अ ट्रेजडी प्ले ऑल्सो, उन्होंने ट्रेजडी प्ले भी लिखी है,
ड्रायडन की अगर बात करें तो उन्होंने ट्रेजडी प्ले भी लिखे हैं लाइक ऑल फॉर लव. ये जो वर्क है बेस्ड ऑन एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा जो वर्क है उस पे बेस्ड है और ये बहुत पॉपुलर वर्क है. ऑल फॉर लव ये बेस्ड है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा के ऊपर. और ये आगे आ जाते हैं इनके टायरेनिक लव, द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, द इंडियन क्वीन, ये भी इनके सारे ट्रेजिकल वर्क्स हैं ड्रायडन के. दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास रेस्टोरेशन एज. तो नेक्स्ट जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी एज ऑफ ड्रायडन के ऊपर. वो रेस्टोरेशन का ही एक हिस्सा होगा मगर मैं उसको एज ऑफ ड्रायडन के इसीलिए बनाऊंगी क्योंकि आपको ये मतलब समझ में आ जाए, क्योंकि ये रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्रायडन भी बोला जाता है क्योंकि बहुत डोमिनेट राइटर हैं और जितने भी रिमेनिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और वर्क्स हैं और राइटर्स हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में एज ऑफ ड्रायडन की जो वीडियो में अपलोड करूँगी उसमें आपको मिल जाएगा. आई होप यू लाइक माई वीडियो. Please like, comment, share and subscribe my channel. And also you can suggest me if you want another video if of any topic, on any topic I will make. And please also subscribe my channel. Thanks for watching my video.